रिव्यू करने के बाद इतना सारा पसारा हो जाता है इन साड़ियों का। अब इन सबको एक साथ में फोल्ड करना है, वो भी बहुत ही मुश्किल टास्क है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस बार मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए, मीशो से मैंने कुछ साड़ियाँ परचेज की है, तो चलो एक एक करके इसे रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी साड़ी है ये देखते हैं। इसे यहाँ से कट करना है। तो देखते ही लग रहा है कि जो मैंने ऑर्डर की थी बस वही आई है। वाह, इसका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है। इसके धागे ओके, वाह इसका टेक्सचर तो देखिए गाइस, वाओ बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। इसका टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट है और कलर तो वाओ, एकदम वाओ ही बोल सकते हैं इसको, और कुछ नहीं बोलेंगे। इस साड़ी को मैं देने वाली हूँ 10 out of 10। इसके साथ ये वाला ब्लाउज पीस हमें रिसीव हुआ है। अब नेक्स्ट ओपन करके देखते हैं कैसी आई है। ओके, ये नेट की साड़ी थी जो मैंने ऑर्डर करी है। इस साड़ी का कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। सबसे ज्यादा तो ये जो फूल इस पे सनफ्लावर थे वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए थे, इसीलिए मैंने इसे ऑर्डर की थी। अब देखते हैं इससे कि ये जैसे कि ऑर्डर की थी वैसी आई है या नहीं। अरे वाओ, एज एक्सपेक्टेड जैसी ऑर्डर की थी वैसी ही आ रिसीव हुई है ये साड़ी। इस पे ये जो सनफ्लावर बने हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं गाइस। अगर आपको ये पसंद आई हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी साड़ियों के लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। आप ये साड़ी को देखो, इस साड़ी को देखते तो मुझे इसका ड्रेस बनाने का मन कर रहा है। एक बार इसे पहन के मैं इसका ड्रेस ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही सुंदर फैब्रिक है ये, और इस रेट में, इतने कम रेट में आपको ये मिल रही है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और इसके साथ ये ब्लाउज पीस भी रिसीव हुआ है। आप ये नेक्स्ट ओपन करके देखते हैं। ये वाली साड़ी का कलर मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है, जैसा मैंने देखा था वैसा ही मुझे थोड़ा सा इसमें डिफरेंस लग रहा है कलर में। वैसे तो सेम ही है, दिख तो सेम ही है, लेकिन कलर थोड़ा सा डल लग रहा है, क्योंकि फोटो में डार्क शेड में था और इसमें मुझे रिसीव हुआ है थोड़ा सा लाइट शेड, लेकिन बाकी पूरा साड़ी वैसी की वैसी रिसीव हुई है। आप देख सकते हो इसमें बॉर्डर बहुत अच्छी दी हुई है, और इसके साथ में ये वाला ब्लाउज पीस रिसीव हुआ है। वाह, ब्लाउज पीस भी बहुत अच्छा है और साड़ी का पीस भी, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा कलर, अगर कलर की बात छोड़ दे तो इसको मैं दूंगी 9 out of 10। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से परचेस कर सकते हो। ये साड़ी तो मुझे हाथ में लेती हैवी लग रही है। अब इसे ओपन करके देखते हैं कि ये कितनी हैवी है, या फिर दो दो साड़ियां है इसमें, क्योंकि इसका वजन ही बहुत ज्यादा है। अरे वाह, एक एक दूसरी पैकेजिंग आई हुई है, इसे भी खोलना पड़ेगा। मैंने बिल्कुल सही सोचा था, मुझे एक के अंदर दो साड़ियाँ रिसीव हुई है एक ही पार्सल के अंदर। तो देखते हैं दोनों एक एक ओपन करके देखते हैं। ये वाली साड़ी, वाओ इसका टेक्सचर गाइस, इसका इतना सॉफ्ट टेक्सचर है ना इसका, वो कितनी मन कर रहा है इसको अभी पहनने। इतनी हल्की साड़ी है ये, और पूरे साड़ी पे इसमें ऐसी बॉर्डर दी हुई है, कांच की बॉर्डर दी हुई है इसमें पूरी साड़ी पे, और जो पल्लू साइड में है ऐसी सेम ऐसी बॉर्डर दी हुई है। इसको देख के लग रहा है जस्ट वाओ, ये पूरी जैसी की वैसी रिसीव हुई। इसको मैं पूरे 10 out of 10 दूंगी। अब इसका ब्लाउज देखते हैं कि कैसा रिसीव हुआ है।
ब्लाउज 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 कहाँ गया इसका ब्लाउज? हाँ ये मिल गया। हाँ इसका ब्लाउज तो शायद पूरा प्लेन है। हाँ ये पूरा प्लेन ब्लाउज दिया हुआ है इस पर, और ये पूरी साड़ी ऐसी डिजाइनर है। ये साड़ी बहुत ही इसका सॉफ्ट टेक्सचर है गाइस, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। मैं इसको डेफिनेटली मैं इसको रखने वाली हूँ। बाकी इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बंदा। अब है ये सबसे लास्ट वाली साड़ी, तो देखते हैं इसको कि ये कैसी दिखती हुई है। ये भी मैंने कलर टेक्सचर में ऑर्डर की थी। इसको भी खोलना पड़ेगा। ओके वाह, इसको तो देख के देखो, ये भी कलर्स टेक्सचर्स में है। ये इसके रेट वाइज, इसकी बहुत रेट वाइज ये साड़ी बहुत ही अच्छी आई है। जैसी ऑर्डर की थी वैसी सेम मुझे रिसीव हुई है। साड़ी का पल्लू है गाइस, आप देख सकते हो इसमें दोनों साइड में बॉर्डर दी हुई है, और मोस्टली ये कलर टेक्सचर जो है बहुत ही सुंदर लग रहा है इसका। ये साड़ी सारी साड़ी इसको मैं आपको पहन के दिखाने वाली हूँ ये कैसी साड़ीज है। तो आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हैं कि पहनने के बाद ये साड़ी कैसी लगेंगी। मैंने इसकी भी, मैं जब भी शॉर्ट्स अपलोड करूँगी मैं उसकी भी सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सारी साड़ियों की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नीचे बेल बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ में जब भी लाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। एक वीडियो निकालना इतना भी आसान काम नहीं है, तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक लाइक बटन ज़रूर दबा देना, और अगर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। और इन सारी साड़ियों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ, तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना अगर आपको बाय करनी हो तो। थैंक यू, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।